तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का, जिसमें यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आज, ठीक है, 11 से 15 16 तक देखेंगे, ठीक है, आज पूरा खत्म कर देंगे यहाँ पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अच्छा लगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेहतर लगे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप लोग को यहाँ नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, तब तक पढ़िए क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोला आप लोगों को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर समझे, बगल में चित्र भी आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पे, आकृति 9.12। इसमें बोला है एक नहर के तट पर, जैसा कि प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मैं भी उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, देखिए ध्यान दीजिए, कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टीवी टावर है। साथ में बोला यहाँ पर कि नदी के तट पर है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अन्य कौन सा। देखिए यहाँ कोई बीच में क्या होगा, नदी इस तरह से चौड़ी होगी, इतना मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे तट से जब इसको देखा गया तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 60 डिग्री का कोण बना रहा था, कोण बना रहा था, ऐसा प्रश्न में बोला है। यहाँ पर देखिए बोला है 60 डिग्री का कोण, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बोला आगे यहाँ पर कि इसी तट पर, देखिए इसी तट पर, ठीक है, 20 मीटर दूर जाने पर मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, देखिए 20 मीटर दूर जाने की बात कर रहे हैं, तो 20 मीटर हम लोग दूर चले जाते हैं, कितना मीटर दूर बोला है 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर यहां से यहां तक आ गए दूर। अब जब यहां से देखा इसको, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यही टीवी टावर है, और यहां से जब 30 है, यहां से जब इसको मिलाया गया तो प्रश्न से बोला है कि कितना है 30, कितना है 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ABC, तो हम भी लिख लेते हैं ABC, और यहाँ पे D है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई नहीं मालूम है तो टावर की ऊंचाई क्या लिख लेंगे, बताइए, एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है, टावर की ऊंचाई कितना है एच मीटर, और नहर की चौड़ाई नहीं मालूम है तो एक्स मीटर मान लेते हैं इसे। अब देखिए क्या सब माने, बताइए, टावर की ऊंचाई माने और नहर की चौड़ाई माने, तो इसको लिख लेंगे, पहले लिखेंगे यहां पर, माना कि टीवी टावर ए बी की ऊंचाई कितना माने एच माने, ठीक, एच मीटर, और नहर की चौड़ाई क्या माने, बताइए, बीसी नहर की चौड़ाई, बीसी नहर की चौड़ाई कितना है, बीसी नहर की चौड़ाई है एक्स मीटर, ठीक है, ये भी माने हुए, ठीक है। अब बताइए सीडी दूरी है, चल कर गई दूरी, तो सीडी दूरी कितना है, सीडी दूरी कितना है 20 मीटर, ठीक है, ये दे दिया। तो बताइए एक चीज आप बताइएगा हमें कि ये दोनों में कौन सा संबंध होता है, लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, बिल्कुल सही, 10 का संबंध होता है, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में बार बार आप लोग को बता दिया गया यहाँ पर कि जो दोनों में संबंध रहेगा उसी को लेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 60 है तो 10 कितना लेंगे, 10 60 लेंगे, नहीं 10 60 बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, AB/BC होगा कि नहीं होगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, 10 60 कितना होता है, √3 होता है। AB का मान बताइए H है, और BC का मान कितना है X, कोई दिक्कत, इसको इतना बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 X बराबर H, तो X बराबर क्या आ जाएगा H/√3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। आगे चले, अब देखिए एक त्रिभुज में चल चुके हैं ना हम लोग ABC में, तब अब हम लोग किस में चलेंगे, AB/D में चलेंगे, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पुनः, यहां पे हम बना देते हैं पुनः समकोण त्रिभुज किसमें,
ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में क्या लगेगा, टेन कितना लगेगा, बिल्कुल सही, टेन तीस लगेगा, कितना लगेगा, टेन तीस लगेगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे बी डी, ठीक है। एक बात बता दीजिए, टेन थर्टी का वैल्यू बताइए, वन बाय रूट थ्री होता है, कितना होता है, वन बाय रूट थ्री वैल्यू होता है, ठीक है। और ए बी का मान, ए बी का मान नजर आ रहा होगा, ऊपर में एच है, एच बाय बी डी का मान क्या होगा, देखिए बी डी का मान क्या होगा, बी से डी तक एक्स और प्लस बीस ना, तो एक्स और बीस को जोड़ के लिखेंगे, नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, एक्स प्लस बीस लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में, प्रॉब्लम है देख के बताइए, चलिए अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको इतना बार पढ़ते हैं, इसको इतना बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं तो एक को पढ़ेंगे तो एक्स प्लस ट्वेंटी आएगा, बराबर कितना आ जाएगा, रूट थ्री एच आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक में, नहीं ना। चलिए देखिए, एच का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण एक से रखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स का मान समीकरण एक से रखने पर, जब एक से रखेंगे तो एक्स का मान कितना है यहां पर, एच बाय रूट थ्री, तो एच बाय रूट थ्री प्लस बीस बराबर कितना, रूट थ्री एच, यहां तक प्रॉब्लम। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि एच वाले को एक तरफ करेंगे, बगैर एच वाले को दूसरे तरफ करेंगे, नहीं तो एच वाले को उठा के उधर ले चलते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ना कि बीस बराबर रूट थ्री एच माइनस एच बाय रूट थ्री, हाँ या ना। चलिए जोड़ है, सॉरी भिन्न का घटाव है, नहीं तो रूट थ्री को रूट थ्री बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तीन एच माइनस एच बटे कितना, रूट थ्री, इधर कितना है ट्वेंटी, कोई दिक्कत, तीन एच में से एक एच जाएगा तो कितना बच जाएगा वो, दो एच बटे कितना, रूट थ्री, कोई दिक्कत यहां तक में। चलिए अब इसको ले चलते हैं ऊपर, या फिर रूट थ्री से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा बीस रूट थ्री बराबर टू एच, तो एच बराबर बीस रूट थ्री बटे दो, दो था किस में, दो है ना, गुना में भागेगा भाग में, तो दो से अभी काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए, दो से कटेगा ये दस बार में, तो एच बराबर कितना आ गया, दस रूट थ्री मीटर, कोई दिक्कत। एच का मान किस में रख देंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा समीकरण एक में, ठीक है। तो एच का मान लिखेंगे यहां पर, एच का मान, एच का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, जब एक में रखेंगे तो एक क्या कहता है, एक्स बराबर एच बाय रूट थ्री, लिखेंगे एक्स बराबर एच बाय रूट थ्री, एक्स बराबर एच का मान कितना है, दस रूट थ्री बटे कितना, रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, दस मीटर। तो नीचे इतना पर आंसर मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है, इतना पर आंसर छोड़िएगा तो पूरा पांच नंबर नहीं मिलने वाला आप लोग को, यहाँ पूछा जो गया है ना उसको लिखेंगे, पूछा क्या बताइए, पूछा गया आप लोगों से यहाँ पर था कि नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे टीवी टावर की ऊंचाई एच बराबर दस रूट थ्री मीटर, और नहर की चौड़ाई एक्स बराबर दस मीटर, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अभी बनाना था, ठीक है, तो बनाइए इसको जल्दी से उतारिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, अब दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कितना मीटर ऊंचा भवन बोला, सात मीटर ऊंचा भवन है कोई, सात मीटर कोई ऊंचा भवन है, ठीक है, ये भवन है कोई जो सात मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन से आगे बोला उसी में कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कर, मतलब ये कि दूसरा तरफ क्या होगा, एक केबल टावर होगा, ठीक है, कोई केबल टावर है, ठीक है, इसको एक ही सतह पर डाल देते हैं, ठीक। अब देखिए अब क्या बोला है, क्वेश्चन से बोला है कि सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कुंड, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कुंड बोला, बात समझे, कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री बोला है, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है।
आगे क्या बोला है पढ़िए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 बन रहा है। मतलब देखिए ये यहाँ नहीं आया, बोला यही शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 40, और आप जानते हैं एकांतर कोण से क्या होता है, यहाँ भी 45 बन जाएगा। ठीक है, इतना तक बात समझ में आ गई है। चलिए बोला है टावर की ऊंचाई बताइए, मतलब ये कि टावर की ये ऊंचाई बताना हमको। ठीक है, ये बताइए कि ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, बताइए 7 मीटर होगा, कोई दिक्कत? ये नहीं मालूम है तो ये कितना हो जाएगा, एच मीटर मान लेते हैं, और ये नहीं मालूम है इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इतना तक बात समझ में आया। ए बी सी भी मान लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई मान लेते। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा, देखिए तो अच्छे से। चले आगे चले, समझिएगा बात को। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन था, इसके शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोला 60, तो 60 बना दिए, और बोला इसके पाद का मतलब केवल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 बनता है, तो 45 बना दिए, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। बोला है टावर की ऊंचाई बताइए, एक बात बताइए, ये 7 मीटर होगा तो इसके समांतर है तो ये भी 7 होगा ना, और इसको एच मान लेने ही, अब केवल टावर की ऊंचाई पूरा क्या हो जाएगा, एच प्लस 7, नहीं दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा टावर की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे बताइए, पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, ए बी ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस दोनों में चलेंगे, समझते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं पहले, माना कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है 12 का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी सोल्यूशन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो चलते हैं, मानते हैं यहां पर, माना कि ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, दे दिया है ना, जिसकी ऊंचाई कितना दे दिया है 7 मीटर मालूम है। ठीक है, केवल टावर की ऊंचाई बता दीजिए, केवल टावर की ऊंचाई बोला है ईसी बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, एच प्लस 7, कोई दिक्कत? और दोनों के बीच की दूरी क्या माने, दोनों के बीच की दूरी बीसी है ना, बीच की दूरी बीसी बराबर एक्स मीटर। ठीक है, अब बताइए किस त्रिभुज में चलेंगे, पहले ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ए बी सी त्रिभुज में, देखेंगे यहां पर अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना 45, दोनों में संबंध ये मालूम ये नहीं मालूम, टेन लगेगा नहीं, तो टेन कितना लगेगा बताइए, 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी लिखेंगे। ठीक है, 45 का मान कितना होता है, एक होता है एक। ठीक है, ए बी का मान 7 है और बी सी का मान क्या है, यहाँ पे एक्स, गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना जाएगा 7 मीटर, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और एक बात बताइए, अब इस त्रिभुज में चले गए, आप इस त्रिभुज में चलते हैं ई डी ए में। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर पुनः समकोण त्रिभुज ई डी ए में, और इसमें एक बात बताइएगा, ये एक्स था तो ये भी एक्स होगा, कोई दिक्कत है ना, ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और वो 7 वो एच है नहीं, तो टेन कितना लगेगा बताइए, तो यहाँ पे 1060 लगेगा नहीं, तो 1060 बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, नीचे नहीं दिखा दे रहा, ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे ई डी बट्टे डी ए, तो 1060 का वैल्यू बता दीजिए एक बार, 1060 का वैल्यू होता है √3, लिखेंगे √3, और एक चीज और क्या कि बराबर में ई डी का मान है एच और डी ए का मान है एक्स। ठीक है, तो √3 बराबर एच, तो एच तो एच ही रहेगा, एक्स का मान कितना लाए, देखिए तो एक्स का मान कितना लाया है 7, एक्स बराबर 7 समीकरण 1 से रखें। ठीक है, गुणा करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, बड़ी कर एक चीज बताइए, यहाँ पे हमें जो पूछा था क्वेश्चन से पूछा है टावर की ऊंचाई क्या हुआ, तो टावर की ऊंचाई तो पूरा था ना, तो हम लोग क्या लिखें बताइए, टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई है देखिए यहाँ पर ई सी बराबर एच प्लस कितना 7 मीटर, एच का मान कितना लाया है 7√3 प्लस 7, बताइए यहाँ से 7 कॉमन है,
सेवन कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन मीटर, ठीक है, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने देखा अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13 का भी सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस कोई ऊंचा है, ठीक है। तो समुद्र तल कोई होगा, मान लेते हैं यहाँ से 75 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है, ठीक है। क्वेश्चन से बोला है आगे यहाँ पर कि शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवलंबन कुंड 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, ध्यान दीजिएगा, लाइट हाउस के एक ही ओर ऊपर से ही देखा गया है, एक ही ओर जब देखा तो दो जहाज थे, ठीक है, और दोनों जहाज एक दूसरे के क्या थे, पीछे थे, ठीक है। क्वेश्चन से बोला अभी, और दोनों के अवनमन कोण मतलब ऊपर से देखा है, एक का बना है 30 और दूसरे का बना है 45, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए 30 पहले होगा तब 45 तब 90 होगा, बस समझ में आ रहा है, इसलिए 30 दूर होगा, ठीक है। तो 30 यहां मत लिखेगा आप लोग। पूछा है दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा, दूरी नहीं मालूम है तो क्या मान ली, एक्स मान ली, ये भी नहीं मालूम है इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और ये 75 मीटर दे दिया, ठीक है। ए बी सी भी लिख लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किस त्रिभुज में चलना हमको, ए बी सी में पहले मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानना है समझिएगा, माना कि ए बी मीनार है, लाइट हाउस है ना, ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 75 मीटर, ठीक है। बताइएगा दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माने है, दोनों जहाजों की बीच की दूरी, ठीक ठीक दिखाई दे रहा है ना। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जिन भी साथियों को चाहते हैं कि हमारे साथ बढ़े उनसे शेयर कीजिए, विद्या बांटने से बढ़ती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बी सी कितना माने बताइए, बी सी बराबर क्या माने, वाई मीटर माने, ठीक है। तो अब किस में चलेंगे बताइए, अब समकोण त्रिभुज, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिनट निकाल के, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है, लास्ट में ही सही, लास्ट में ही शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ए बी सी में चलेंगे, किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। और टेन कितना, 45, टेन 45 लगेगा, ठीक है। टेन क्यों लगेगा, इस दोनों में संबंध किसका होता है, टेन का होता है, ठीक है, इसलिए टेन लगाए हम लोग, ठीक है। टेन 45 तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ठीक है। टेन 45 कितना होता है, एक होता है, ठीक है। ए बी का मान, ए बी का मान है 75 और बी सी का मान कितना है, वाई है, नहीं तो इसको एक से गुना करेंगे तो वाई बराबर कितना आ गया, 75 मीटर आ गया, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस त्रिभुज में चले थे अभी नहीं, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में चलेंगे तो कितना लगेगा, टेन कितना लगेगा बताइए, टेन 30 लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन 30 बराबर ए बी बट्टे बी डी, ठीक है। ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे बी डी क्यों, ए बी बी डी पूरा, ठीक है। तो अब चलते हैं, टेन 30 का वैल्यू बता दीजिए, आप लोग को इसके नीचे उतारना है, ऐसे नहीं उतारना है, ठीक है, इसके नीचे आपको उतारना है। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 1/√3 होता है, ठीक है। ए बी का मान है 75, बी डी का मान वाई प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वाई प्लस एक्स, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस एक्स बराबर 75√3। बार बार बताया जा रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इसको इससे, इसको इससे, नीचा वाला के ऊपर वाला से गुना, ऊपर वाला को नीचे वाला के साथ गुना करेंगे, ठीक है। वाई का मान आपको मालूम है यहाँ पे समीकरण एक में, कितना मालूम है, 75, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान, समीकरण y का मान समीकरण एक से रखने पर, ठीक है, जब एक से समीकरण से रखेंगे तो कितना है, 75 है,
तो 75 प्लस एक्स बराबर कितना, 75 रूट थ्री, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 75 रूट थ्री और माइनस 75, क्यों माइनस 75 है, जोड़ में जाएगा घटाओ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या जाएगा, 75 कॉमन, तो रूट थ्री माइनस 1 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या माने थे, एक्स माने थे नहीं, लेकिन अतः दोनों जहाजों के बीच की, जहाजों के बीच की दूरी आपको ऐसे ही वहां पे जाके लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है आपको पूरे 5 नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो लिखिए, उतारिए इसे, स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते ले लीजिए। प्रश्न संख्या 14 आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िएगा, क्वेश्चन दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा, भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। एक लड़की जो है वो 1.2 मीटर की लंबी है और 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा के उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयनकोण 60 है, ध्यान दीजिएगा। जब लड़की देखी इस गुब्बारे को तो यहाँ से कितना बना है, 60 डिग्री बना, क्वेश्चन से बोला है ये बात, ठीक है, कितना बोला है, ये 60 डिग्री बना, ठीक है। और क्वेश्चन से एक बात और बोला है कि जब वह गुब्बारे 60 डिग्री पर है, कुछ समय बाद वह घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब गुब्बारा चल के कुछ दूर गया और ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, गुब्बारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लड़की तो यहीं पर थी, तो इस तरह से बना है, और ये कितना डिग्री बोला है, यहाँ पे 30 डिग्री बोला, ठीक है। नीचे वाला कितना डिग्री बोला, 30 डिग्री, ठीक है। एक बात और देखिए, 1.2 मीटर की लंबी लड़की थी, ठीक है, कितना मीटर की लंबी लड़की थी, 1.2 मीटर की लंबी लड़की थी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये भी तो 1.2 मीटर होगा, ये भी 1.2 मीटर होगा, मतलब ये कि गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई अगर हम आपसे पूछे लड़की के आंख से जब बना होगा तो कितना बना होगा, तो 88.2 में से आप क्या कीजिए, 1.2 को हटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 88.2 में से 1.2 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 88 में से क्या कितना आ जाएगा, 87। बात समझ में आ रहा है ना, 88 में से एक जगह 87 होगा ना, तो 87 मीटर बच गया, इसका मतलब वास्तविक ऊंचाई उसका कितना होगा, 87 मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन से इसी में है, ऐसे ही पूछा है, तो 87 मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसकी ऊंचाई, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा, 87 मीटर होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है सभी को, आगे चले। प्रश्न से बोला यहाँ पर है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, मतलब ये दूरी आप लोगों से पूछा गया है, ये कितना मान लेते हैं हम लोग, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और ये नहीं मालूम है इसको क्या मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं, ए बी सी भी लिख लेते हैं, ए बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं, डी और यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक बात बताइए आप कि हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, ठीक है, ए बी सी में, पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, पहले मान लेते हैं, माना कि कुछ लोगों को मानने अब आ गया है ए बी गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई, गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई कितना, वास्तविक ऊंचाई 87 मीटर, ठीक है, कैसे आया बता दिया अभी, ठीक है। और गुब्बारे द्वारा चलकर गई दूरी कितना माने, एक्स माने नहीं, लिखेंगे गुब्बारे द्वारा, गुब्बारे द्वारा चलकर गई दूरी कितना, एक्स मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत, चलते हैं त्रिभुज। और हाँ, सी बी बी सी कितना माने थे, BC बराबर y मीटर माने थे, ठीक है, और ये BD था। अब एक बात बताइएगा यहाँ पे किस त्रिभुज में चलना है, ABC में चलना है, ठीक है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में चलेंगे तो क्या लगाएंगे, टेन 60, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB बटे BC, टेन 60 क्या हो जाएगा, AB बटे BC, ठीक है। 60 का वैल्यू बताइए, बिल्कुल सही, रूट थ्री होता है, ए बी का मान कितना है 87 मीटर और बी सी कितना है यहाँ पर वाई मीटर, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री वाई बराबर 87
तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 87/√3 गुना में भाग में गया, ठीक है। समीकरण क्या मान लेंगे इसको, एक मान लेंगे, ठीक है। अब किस में चलेंगे बताइए, अब चलेंगे ई डी सी में, बराबर त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुनः पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ई डी सी में, ई डी सी में, ठीक है। जब ई डी सी में चलेंगे तो टेन क्या लगाएंगे बताइए, टेन 30 लगेगा ना, नीचे 30 डिग्री था, तो लिखेंगे यहां पर टेन 30 डिग्री बराबर ई डी बटे डी सी, ठीक है। ई डी बटे डी सी टेन 30 1/√3, ठीक है। ई डी का मान यहाँ पे 87 और सी डी का मान एक्स प्लस वाई नहीं एक्स प्लस वाई गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 87√3, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पर y का मान लाया था नहीं, तो y का मान लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक से रखने पर, ठीक है। जब एक से रखेंगे समीकरण यहाँ पे मान, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए x प्लस y का मान कितना था 87/√3 बराबर कितना लिखेंगे 87√3, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 87√3 माइनस 87/√3 √3 से √3 बार पढ़ेंगे, या ऐसे कर सकते हैं आप 87 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 - 1/√3, ठीक है। √3 से √3 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 3 - 1/√3, कोई दिक्कत। 3 में से 1 गया 2 नहीं 2 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा। परिमेयकरण आप लोग जानते हैं, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। 87 गुने 2 बटे कितना आ गया √3, गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे √3 से और √3 से भाग करेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, तो 87 गुने 2√3/3 आएगा ना, 3 से 1 कट जाएगा, देखिए कटेगा कैसे, 3 दूनी 6 और 3 * 27, तो x बराबर 29 दूनी 58 और 2 * 18 3 * 4 = 5, ठीक है। 58√3 मीटर, ठीक। और ये देखिए यही ना चलकर दूरी गई है, तो कितना आ गया 58√3। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः गुब्बारे द्वारा चलकर गई दूरी 58√3 मीटर, ठीक। और यही आपका क्या देना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना था यहाँ पे, तो उतारिए प्रश्न संख्या ये 14 था, इसके बाद 15 देखेंगे 16 देखेंगे, ठीक है। दोनों देखेंगे, खत्म करेंगे आज, तो रहने देते हैं आज भर इतना ही, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही वीडियो लंबा हो जा रहा है यहाँ पे, 27 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, और कोरोना का कहर जा रही है, ठीक है, तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है, तो रखते हैं आज भर इतना ही है।